नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। कल बरसात के कारण मासूम हुए आवारा कुत्तों का शिकार। सुबह भी 3 बच्चों को कुत्तों ने काट कर किया घायल। जिला अस्पताल लाए गए सभी घायल बच्चे मैनटहर के कदीर चक्कर की मिलकवा पाकवाड़ा में मासूम बच्चों को कुत्तों ने बनाया शिकार। दम फ्रीडम फाइटर नामक सामाजिक संगठन ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से सौंपा ज्ञापन। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग। कहा, चाइनीज मांझे से बड़े पैमाने पर लोग हो रहे हैं घायल, कई लोगों की हो चुकी है मृत्यु। इधर जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ पर आज लगाई जा रही है भरपूर मात्रा में लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन। डॉक्टर वीर सिंह ने दी विस्तार से जानकारी। 18+ के लोगों में देखा जा रहा है वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह। इधर थाना सिविल लाइन के क्षेत्र में गुलाबबाग हरतला निवासी नवविवाहिता को किया पति दानिश ने मारपीट कर घायल। घायल नाजुक पहुंची थाना सिविल लाइन, पुलिस को दी सास व पति के खिलाफ तहरीर। पुलिस ने कराया घायल महिला का मेडिकल। इधर देश की राजधानी दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार है, उसे जलाकर मार दी जाने वाली घटना के विरोध में अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ ने कलेक्टर पे किया जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दरिंदों को फांसी देने एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की उठाई मांग। रजेल अस्पताल के परिसर में 25 दिन में ही बनकर तैयार हुआ ऑक्सीजन टैंक भवन। अब सिर्फ ऑक्सीजन टैंक का उद्घाटन रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के हर एक जिले में कराया गया इस टैंक का भवन का निर्माण। अमरोहा में भी बनकर तैयार हुआ ऐसा ही टैंक। NHAI के सदस्य KP सिंह ने दी जानकारी, सिर्फ उद्घाटन समारोह रह गया है बाकी। उन्होंने कहा, जगह कम होने के कारण लगा 25 दिन का समय, जगह मिलती तो 15 दिन में ही करा दिया जाता भवन का निर्माण। इधर पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण कराए जाने के खिलाफ सर्व धर्म हिताय सेवा संस्था ने पाक सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देकर यहां रहने की अनुमति दिए जाने की उठाई मांग। इधर जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी भाजपा नेता संजय सिंह राघव की 13 वर्ष लापता पुत्री को बरामद किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार का कलेक्टर पर जारी है धरना प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों का मिल रहा है समर्थन। आगामी 13 अगस्त को विभिन्न संगठनों द्वारा SSP कार्यालय के सामने विशाल जनसभा आयोजित किए जाने का किया गया ऐलान। इधर अमरोहा के लालबाग स्थित श्री हनुमान मंदिर में विशाल भंडारा हुआ आयोजित। सावन मास के उपलक्ष्य में मंदिर में भंडारा हुआ आयोजित, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में भंडारे से पूर्व हवन पूजन के साथ जागरण हुआ आयोजित, शहर और देश के लिए हुई प्रार्थना। इधर पूरे प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुरादाबाद में प्रदर्शन। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत पीपलसाना से कांग्रेसी नेताओं ने निकाली रैली। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर की नारेबाजी। कांग्रेसी नेताओं ने रैली के माध्यम से थाना प्रभारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। तुरैया कश्यप विकास समिति में अम्बेडकर पार्क में मनाया पूर्व सांसद व आयरन लेडी वीरंगना फूलन देवी का 58वां जन्मदिन। धूमधाम से मनाते हुए पहले उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया, फिर लोगों को मिठाई व मास्क बांटे और पूर्व सांसद फूलन देवी का जन्मदिन मनाया गया। इधर मुरादाबाद में स्वतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन स्तर से गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई आयोजित। शहर के कलेक्टर के मुशायरा ग्राउंड में जिला अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में महानगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, मुरादाबाद शहर में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम होंगे आयोजित, जिला प्रशासन इससे सभी तैयारी की पूरी। इधर मुरादाबाद की ब्यूटीफुल लेडीज क्लब ने गरीब बच्चों को पहुंचाई मदद। शहर के कार रोड स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में 15 निर्धन बच्चों को पढ़ाई की सामग्री के साथ वर्ष भर की फीस विद्यालय में की जमा। ब्यूटीफुल लेडीज क्लब सभी सदस्यों ने कहा, समाज सेवा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेता है ये क्लब। मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश को हुआ तबादला। जबलपुर से आए अजय नंदन ने संभाला रेल मंडल प्रबंधक का कार्यभार, डिवीजन के अधिकारियों ने किया स्वागत। मुरादाबाद रेल मंडल से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 28 जनपद के सभी 205 रेलवे स्टेशन का होता है संचालन। अजय नंदन ने चैनल से बात करते हुए कहा, रेल सुविधाओं के साथ रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा काम। मुरादाबाद के थाना नागफनी बंगलागांव तारों वाली गली निवासी शंकर कुमार रामगंगा में डूबा। सुबह 9:30 बजे रामगंगा किनारे घूमने निकला शंकर कुमार गंगा में डूबा, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने रामगंगा में शंकर कुमार के शव की तलाश की शुरू। इधर मुरादाबाद के नगर निगम वार्ड नंबर 8 हिमगरी गड्ढा कॉलोनी में टूटी सड़कें और गंदा पानी टंकी को आने की वजह से स्थानीय निवासी को हुई परेशानी। हैंडपंप से कई महीनों से आ रहा है गंदा पानी। टूटी सड़कें और स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण स्थानीय निवासियों को होती है परेशानी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पार्षद नगर निगम से कई बार की जा चुकी है शिकायत, नहीं हुआ समाधान। इधर मुरादाबाद में नहीं निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी ने एक दूसरे से की अपील। शहर के सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। शहर के गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। शहर के सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न।
बैठक के दौरान जनपद मुरादाबाद से आए सभी तहसील और ब्लॉकों से गणमान्य व्यक्तियों ने कहा सरकार द्वारा जारी की कोरोना 19 गाइडलाइन का सभी लोग करेंगे पालन।